गुड मॉर्निंग गाइज गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनादर ब्लॉग और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है साढ़े दस बजे क्योंकि अभी दोनों बच्चे सोकर के उठे हैं आज आधी की छुट्टी है Yay! आज संडे सेलिब्रेशन हो रहा था चीकू भी अभी उठी है देखिए अपने पापा के साथ खाने का वेट कर रही हैं इनका खाना बन गया है और अब मैं जा रही हूँ अब हम लोग चाय वाय बनाई क्योंकि आज रियली में बहुत लेट हो गया था संडे मतलब हम लोगों ने रियली में संडे ही बना लिया था सो so, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बताऊँगी आपको एम पी की एक बहुत स्पेशल रेसिपी है आहारा कि अब तो बनने लगी अब तो हर जगह आप देखेंगे तो मिलेगी आपको लेकिन ऐसे हम मंगौड़ी कहते हैं मूंग दाल के बड़े की तरह छोटे छोटे पकौड़ियों होती है तो, तो गौरी तो खाना खा रही है ब्रेकफास्ट कर रही है संडे का गौरी का ओट्स बन के रेडी हो गया हाँ, हाँ। भूख लगी है, है? भूख लगी है गौरी को तो फ्रेंड्स आफ्टर ब्रेकफास्ट यहाँ पर गौरी और आ... गौरी के पापा दोनों जा रहे हैं छत पर थोड़ा सा ये धूप लग जाए बॉडी में इनके क्योंकि डेली मैं लेकर के नहीं जा पाती हूँ ऐसी रेसिपी होती है फ़्रेंड्स जो हमारे एमपी में यानी मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो हम लोग आ, मैंने आपके साथ एक दिन आ, शायद आई थिंक दिवाली वाले ब्लॉग में मैंने आपके साथ ये वाला शेयर किया था बट इसका मैंने पूरा प्रोसेस नहीं शेयर किया था आपसे तो आज मैं इसको पूरा बनाने की आपको विधि मेथड बताने वाली हूँ बिकॉज़ हमारे यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ओकेजन हो या कोई भी ऐसा मन करता है कि लाइक पकौड़े वगैरह खाएँ तो हम लोग इसी टाइप के पकौड़े ज़्यादा खाते हैं बेसन वगैरह हम लोग थोड़ा सा कम खाते हैं बेसन पकौड़ियाँ ज़्यादा पसंद नहीं की जाती लेकिन ये वाला मोस्ट फेवरेट होता है मेरी नानी के घर आप कभी भी जाइए ये आपको हमेशा मिलेगा तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे बनाना है पहले सो so फ्रेंड्स ये है मूंग की दाल हरे छिलके वाली जो दाल होती है ना उसको आपको भिगो के रखना है तकरीबन पाँच से छः घंटे आपको भिगोना है जिससे अच्छी तरीके से भीग जाएगी और अब हम इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे धो लेंगे इसके छिलके को निकाल देंगे बहुत ज़्यादा नहीं धोना है अगर छिलके थोड़े बहुत रह भी गए तो कोई इशू नहीं है तो अब इसे मैं ग्राइंड कर लेंगे और इसको आपको बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है इसको आपको हल्का दरदरा रखना है बहुत ज़्यादा फ़ाइन पेस्ट मत बनाइएगा जिससे कि आ, अगर आप इसको हल्का कम आ, पीसेंगे तो ये ज़्यादा कुरकुरा बनेगा इसके बाद इसमें जो लास्ट में थोड़ी सी दाल बची थी उसके साथ मैंने लहसन और मिर्च को इसमें डाल करके साथ में पीस लिया है और ये हमारा जो पेस्ट है वो बनकर रेडी है इसमें अब हम सूखे मसाले ऐड करेंगे ज़्यादा कुछ इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं होते हैं ट्रेडिशनली इसको तो सिलवट्टे पर पीसा जाता है बट अब यहाँ तो सिलबट्टा है मेरे पास बट इतना ऑफन यूज़ नहीं करते अब इसके बाद हम इसमें यूज़ ऐड करेंगे धनिया की पत्ती कटा हुआ प्याज़ और प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक मत काटिएगा थोड़ा सा मोटा काटिए इसके बाद हम पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें और भुना हुआ नहीं कच्चा पिसा हुआ ज़ीरा इसके बाद नमक हल्दी और थोड़ा सा ऐड करेंगे धनिया पाउडर गरम मसाला वगैरह इसमें नहीं ऐड होता है और अब इसको अपने हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स करना है फेट लेना है जैसे फेटते हैं ना आप किसी भी स्पैचुला के हेल्प से और इसमें अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि आप इसमें अपने हाथों का ही यूज़ ज़्यादा कीजिए जिससे कि इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है आई डोंट नो वाई लेकिन हमने मैंने अपने घर में जब भी देखा है इसको कभी बिना नहीं नानी मम्मी जब ने भी बनाया है हमारे यहाँ बनाया जाता है तो इसी तरीके से हम इसको अपने हाथों से अब इसके बाद आपको ना ये जो बैटर है ना लाइट सा लगने लगेगा और इसके जो पकौड़े हम बनाएंगे वो बढ़िया फूले फूले से बनेंगे नेक्स्ट आपको इसको क्या करना है जब भी आप मंगोड़ी घर में बनाइए इसको आपको सरसों के तेल में ही बनाना है इसको रिफाइंड ऑयल में बिल्कुल मत तलिएगा इसके बाद हम यहाँ पर सरसों का तेल लेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे तेल में इस तरीके से डालने लगेंगे जैसे हम बेसन के पकौड़े बनाते हैं ना सेम एज़ वही प्रोसीजर रहेगा और इसको आपको मीडियम फ्लेम पर तलना है लो टू मीडियम फ्लेम पर हाई फ्लेम पे मतलब बिल्कुल मत करिएगा अदरवाइज ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं और इसको अच्छी तरीके से क्रिस्प होने तक आपको फ्राई करना है हल्का सा डीप ब्राउन सा कलर आ जाए उसके बाद आप इसको टोमेटो केचप या चटनी के साथ सर्व कीजिए और ये एक बहुत अमेजिंग रेसिपी है गाइस हमारे एमपी की और हम इसे बहुत इंजॉय करते हैं अपनी किसी भी अच्छे फंक्शन है हमारे घर में कुछ भी है तो हम ये सो so, बन गए सेकेंड राउंड भी हमारा और ये दिलीप भी खा रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं आदि भी खा रहे हैं चीकू लौट आए छत से गौरी हाँ बेटा कौन सी पेंसिल नहीं था। नहीं था। नहीं था। नहीं था। जी एक नंबर तो ये देखिए गौरी चल दी आ, मौका नहीं। मिलता नहीं उनको कि वो डाइनिंग टेबल के, के नीचे घुसने पहुंच जाती हैं तो ये खेल खिलौने में लग गई हैं अपने गौरी गौरी को गुस्सा रहा है बहुत तेज तो so चलिए फ्रेंड्स इसी नोट पर इस वीडियो को करते हैं एंड चीकू और आदि की लड़ाई के झगड़े के साथ तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा